कहावत है कि बच्चे तभी बाप को पूछते हैं जब कोई जरूरत हो। डैड, मुझे आपकी मदद चाहिए। जैकेट पहन लेता हूँ। 30 साल बाद हमें भविष्य में एक जंग लड़नी है। हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है और हम जंग हार रहे हैं, तो आपको हमारे साथ मिलकर लड़ना होगा। मैं वापस जरूर आऊंगा। पापा तुमसे बहुत प्यार करते बेटा। आज से 7 दिन बाद जब आप जंग लड़ने जाएंगे तो आप अपने देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए लड़ेंगे। ठीक तो है ना? क्या ठीक, जंग पे जो जा रहा हूँ। मुंह बंद रखो, कान खुले। माफ करना, वो मुझे घबराहट हो रही ना, इसलिए ज्यादा नहीं तो 97% घबरा रहा है। अब मजा आएगा। भविष्य में स्वागत है। तुम और तुम्हारा यूनिट अब 2051 में है। ये तो हर जगह है। हम उनका चारा है और वो भूखे हैं। हमारा दुश्मन शातिर है, बहुत तेज और हमारी सोच से ज्यादा ताकतवर। एक खतरनाक चीज देखना चाहोगे? वैसे तो जब से आया हूँ यहाँ खतरा ही देख रहा हूँ, फिर भी चलो देखा। अगले कुछ हफ्तों में इंसान इस धरती से गायब होने से बच सकते हैं। हम कुछ भी कर लें कोई फायदा नहीं है। तुम गलत सोच रहे हो, मुझे उस बात पर यकीन है। हम इस जंग को साथ मिलकर रोकेंगे ताकि फिर कभी ना। अभी भी इस जंग को शुरू होने से पहले रोकने का एक मौका है। दूसरा मौका सबकी किस्मत में नहीं होता। जल्दी कर दो। मैं छुपने वाला नहीं हूं, भून के रख दूंगा। उसमें तो गोलियां नहीं है। हाँ पता है गोलियां नहीं है, हम प्लेन के अंदर बैठे हैं ना। अगर गोली चल गई और छेद हो गया तो हम नीचे गिर जाएंगे यार।